गाइस मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया और आज ना अच्छा सा हो गया यार। धूप निकल गई ना, तो जो 2-4 दिन से कपड़े सूख नहीं रहे थे ना। ये देखो केक आया मेरे बर्थडे का। अब चल रही है जप्पू के बर्थडे की दोबारा पार्टी। क्या करने वाली है? ये जो काम खा पी लिए, जो काम करने हैं वो तो कर लिए। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। वेलकम बैक टू जपनू व्लॉग्स। आप कैसे हो? करता हूँ बहुत अच्छे होके। सो गाइस अब इनकी शुरुआत हो चुकी है। हेलो गाइस, फॉलो कर लो। पापा भी आ चुके हैं अपने एक ही डायलॉग के साथ। यो तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है दूसरे डायलॉग के साथ? मैं तो आऊंगा, आजा फिर। मम्मी से मिलवा देता हूँ मैं आपको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जप्पू। गुड मॉर्निंग गाइस। क्या हाल चाल? मेरा तो बढ़िया। बहुत ठंड करा दी भाई तूने। बहुत ठंड हो गई है। बहुत ठंड करा दी। बहुत ठंड से तेरी छुट्टियां भी हो गई। कितने आ गया मैसेज स्कूल से? आ जाएगा, बस वही पता कितनी है। 2 डेज की। और मंडे से लेके मंडे को तूने स्कूल जाना था, अब मुझे लगा थर्सडे को जाना है शायद। इतने भी होने की भी क्या जरूरत थी? अब ये तो गवर्नमेंट को पता है ना, इतने मिलने नहीं पता। चल 2-3 तो मिल गई। और चलते क्यों? फिर हमने जाना ना घूमने। कहाँ? कहीं ना कहीं तो जाना ही हमने। ठीक है। So guys, अभी मैंने नहा लिया है। अभी मैंने पहने हैं आज न्यू कपड़े और अभी नीचे का सारा काम हो चुका है। कूड़े वाले भैया को रोटी भी दे दी और कूड़ा भी दे दिया। और यहाँ पे मम्मी को देखो। क्या दिखा रहा भाई? क्या दिखा रहा है? ये सही है तू दिखा रहा है। ये देख लो भाई, डुकू कहते हैं ना, मैं डुकू के शूज नहीं साफ करती। देख लो मैं डुकू के शूज साफ करती हूँ कि नहीं करती। देख लो डुकू आप खुद भी कि मैं आपके शूज साफ करती हूँ कि नहीं। इतनी ठंड में ठंडे पानी से हाथ ठिठुर गए मेरे। ठंडे पानी नहीं है, गर्म पानी है। गर्म पानी है? हाथ लगाइए जरा। नहीं लगा, हाथ पता लग जाएगा ठंडा है कि गर्म है। गर्म कर लेते तो क्या होगा? 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट तू लगा ले फिर। मम्मा कर रहे शूज साफ। हाँ, सबके नंबर लगे हुए हैं। मम्मी अब अगला नंबर मम्मी का है, उससे अगला मेरा है। सारे अपने अपने आ जाते ना शूज धोते। मैं मेरे भी आ जा। जब पहन जाती है, जब एक बार शूज धुल रहे हैं तो सबके धुल जाए। तो मशीन में ना ढंग से साफ नहीं होते। क्या मशीन में ढंग से साफ नहीं होते? मशीन में ढंग से साफ भी नहीं होते, इसलिए मैं गुल्लू मम्मी ऐसे करना। गुल्लू 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 आज हम जाएंगे प्रिया बुआ घर पे। वैसे हमने कल बता ही दिया था कल के व्लॉग में। इतनी ज्यादा ठंड है ना कि सीरियसली बताऊ ना तो घर से निकलने का मेरा आजकल मन करता नहीं है। वैसे पर जाना है, पर जाना तो है ही। वहाँ तो जाना है। ये देखो शूज चमक गया पापा का। पापा देख लो ऐसे शूज साफ होते हैं। साफ करके देखना। कल को मम्मा नहीं होगी तो शूज साफ करने सीख लो। हाँ ट्रेनिंग ले लो मम्मी से अभी। आप झाड़ू पोछा मैं कर दूंगा, शूज वूज कपड़े वपड़े हाथ धो देना। मैंने तू क्या मैं मरने लगी हूँ? नहीं है मैंने अगर ये बोल दिया कि मम्मा नहीं होगी तो तूने सच्ची में डिक्लेयर कर दिया कि माँ मेरी मरने लगी है। ये गलत बात है। अभी हम जाएंगे प्रिया बुआ घर। अभी पापा जल्दी आएंगे। क्यों अपने टाइम पे आएंगे? रात को जाएंगे। रात को यार बहुत ठंड होती है। मत जाइए, तू घर की रखवाली कर लियो, हम चले जाएंगे। नहीं मैं रखवाली नहीं कर सकता। नहीं नहीं तू घर की रखवाली कर लियो। कोई घर पे भी कोई बंदा रखना पड़ता है ना। घर तेरे को रख देंगे। घर पे नहीं, घर पे मेरा सामान पड़ा है, वो हमारे घर की रक्षा करेंगे। ठीक है तेरे को छोड़ के जाएंगे। नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं। तो गाइस अभी यहाँ पर मेरा लंच आ चुका है। दाल मखनी साथ में 2 रोटी खा लेते हैं। अभी ट्यूशन के बच्चे भी आ चुके हैं पर मैं लंच करूंगा, उसके बाद ट्यूशन पढ़ूंगा। आज मेरी दूसरी ट्यूशन की भी छुट्टी है क्योंकि आज है संडे। संडे इज अ हॉलीडे, इस वाली ट्यूशन की भी दूसरी। सो गाइस मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया और आज ना अच्छा सा हो गया यार। धूप निकल गई ना, तो जो 2-4 दिन से कपड़े सूख नहीं रहे थे ना, सारे के सारे कपड़े सूख गए। जब्बू का बना हुआ मुंह क्योंकि जब्बू को पढ़ना पड़ रहा है। नहीं यार नींद आ रही है। हाँ अभी सुलाती हूँ तेरे को मैं। तो अभी हम पढ़ने लगे हैं, मैं और जप्पू, और आज भी 2 ही बच्चे आए हैं।
पता नहीं क्या यार, मुझे इतना गुस्सा आता ना, अगर आपने नहीं आना तो आप मुझे पहले बता दो, है ना, मैं बैच दोनों साथ में कर दूँ। अब एकदम से जब ट्यूशन का टाइम हो जाता तो आते ही नहीं, फिर दिमाग ख़राब होता मेरा। चलो कोई ना, ये तो पढ़ रहे हैं ना आराम से, इनको तो पढ़ाते हैं, इनकी बेचारों की क्या गलती, ये तो आए हैं क्योंकि आज लास्ट छुट्टी है ना, कल से स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो सब सोच रहे होंगे आज एक और दिन ऐश कर लेते हैं ना, है ना समीर, कल से सब रेगुलर होंगे तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अभी जप्पू और मैं हम दोनों रेडी हो गए हैं, और आजकल ना मैं अपना ये वाला हेयर स्टाइल बनाती हूँ, आप लोग बताना यार अच्छा लगता भी है मेरे फेस पे, बना तो मैं लेती हूँ। जप्पू भी रेडी हो गया, चले पापा आ गए हैं नीचे, हम जा रहे हैं प्रिया के घर पे। सो ये है मेरी फुल लुक, मैंने पहनी है ग्रे कलर की हाई नेक, उसके ऊपर ग्रे कलर की श्रग जो मैंने ली थी उस दिन, ब्लैक जैगिंग, ब्राउन शूज और ब्लू कलर का पर्स। चले नीचे चलो 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 चलो। हेलो गाइस, सड़कू तो आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं छोटी वाली गाड़ी में आज। बड़ी वाली गाड़ी क्यों निकाली तो फिर जगह की दिक्कत होती है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जगह की दिक्कत नहीं होती आपको, उसकी तुरपाल उतारने और तुरपाल डालने में आलस आता है। वैसे भी ये ठंड हो रही है, इसको भी चलानी चाहिए, ये चली भी नहीं थी वैसे। तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कौन सा ज्यादा सामान था तो इसलिए हमने ये वाली गाड़ी निकाल दी है। छोटी गाड़ी की बल्कि सही भी है, वहाँ पे जगह भी मिल जाती है। क्यों, गाड़ी तो बड़ी जगह की भी मिल जाती है आराम से, फिर सामने गाड़ी हो जाती है, ट्रैफिक जाम में तो निकल जाती है। बातें जितनी मर्जी बना सकता है इंसान, बातों का पुतला है और उसके पास अनगिनत बातें हैं, है ना। अभी आपने मेरे को फोन करके बताया था कि कोई लाइक मिलने आने वाला, शालीमार बाग मैसेज तो आया था उनका, शालीमार बाग नहीं, कहाँ पे, बाईपास के पास। अच्छा आने वाले हैं पक्का, पता नहीं, मैसेज तो आया था, देखते हैं। ऐसे तो हमको ना जब हमने देहरादून जाना था ना, तो वो एक थे ना, वो पता ही नहीं कहाँ चले गए, वो ज्योति भंडारी नाम से कुछ था, मेरे को याद है ज्योति भंडारी का, लव फ्रॉम नैनीताल ऐसे करके, वो बहुत सारी छतरियाँ भेजते होते थे, वही थे ना, पता नहीं। एक बार उन्होंने हमको बोला और फिर हम लोग नैनीताल गए, फिर वो हमको मिले ही नहीं, फिर उसके बाद उनके कमेंट्स भी आने बंद हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, वो तो आईडी चेंज हो गई, फिर क्या हो गया पता नहीं, समझ नहीं आई कहाँ गए। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे भी कोई मिलने आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। तो चलो फिलहाल हम निकल चुके हैं अपने घर से, और ट्रैफिक तो आपको पता है एज़ यूजुअल हमेशा की तरह होने ही वाला है, बिना ट्रैफिक के तो हम लोग अपना रास्ता क्रॉस कर ही नहीं सकते। और यहाँ पर जपनूर व्लॉग्स बैठ गया, पीछे बैठती इसको भोखड़े चढ़ जाते हैं, बिस्किट दे मेरे को भी, बिस्किट तो आपने मंगवाया था, तो पहले भोखड़े लग जाते हैं ना, देखो सियाणा डुकू किड्डा सियाणा, अपना पूरा कोटा रख जाए यार, घर पे जितने बिस्कुट सब खा गया है। मैंने देखी भी नहीं है कि कौन कौन से लाए थे आप। सो गाइस, जैसे मम्मी ने मेरे को बताया था कि मेरे से कोई सब्सक्राइबर मिलने आ रहे हैं, तो वो भी आ गए हैं, हमको भी कॉल आ गई है। हां तू इतना खुश क्यों हो रहा है? अरे पहली बार कोई सब्सक्राइबर मिलने आ रहा है, मेरे से कोई मिलने आ रहा है, मेरे से कोई पहली बार मिलने आ रहा है, स्पेशल। ओह माय गॉड, इतना वीवीआईपी है नहीं वैसे तो, स्पेशल स्पेशल पहली बार मिलने आए हैं ना, तो जो मेरे ऑफिस में आए थे तेरे से मिलने, हाँ वो भी बुराड़ी के ही थे, हाँ उनकी वीडियो कॉल आई थी ना मेरे को, तेरे को नहीं मैंने करवाई थी, नहीं दिया मतलब आपने की थी तभी तो मेरे को फोन पे आई होगी ना पापा। अभी वो आ चुके हैं, हम अभी जा रहे हैं उनके पास, कॉल आ गई अभी उनकी, ऑन द वे ही है वो भी, यस। सो गाइस, अभी सब्सक्राइबर आ चुके हैं, चले गाइस अभी यहाँ पर सब्सक्राइबर आ चुके हैं, जब वो खुशी कितना हो रहा है, पहली बार ही मिल रहा है मेरे से स्पेशल, हेलो गाइस, बोलो करना, ये देखो केक आया मेरे बर्थडे का, दोबारा से, यस दोबारा से बर्थडे का केक कटने जा रहा है मेरा। वैसे इसकी किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वैसे आप आगे वही हमारे लिए बहुत काफी है, आप जप्पू के लिए लाए स्पेशल, किसी का व्लॉग नहीं देखता मैं, थैंक यू सो मच, आपने इतना वो किया हमें। मैंने भी दोपहर को देखा, बोला कि प्रिया बुआ के घर जाएंगे। नहीं नहीं शालीमार बाग से, चलो आप साथ में, आप साथ में आओ, आओ दोनों, आप आओ, आओ आप तो लो, नहीं आप आओ, चप्पू साथ में ले। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, एक महीने बाद दोबारा से खिलाओ वापस, अंकल खिलाओ।
ये स्पेशल फैंटा लेके आकर आपके मिरिंडा में मिला। इससे पता लगता है सारे व्लॉग देखते हैं ये हमारे पक्के वाले फैन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतना आपने बहुत किया। तो यहाँ पे अब चल रही है जप्पू के बर्थडे की दोबारा पार्टी है। जप्पू दोबारा 10 इयर्स का हो गया मैं। दोबारा 10 इयर्स का हो गया, 10 इयर्स 1 मंथ का, 10 इयर्स 1 मंथ का हो गया। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये लेके आए थे केक साथ में कोल्ड ड्रिंक। क्या कह रहे थे अरलीन? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या ही बोलूं सीरियसली। थैंक यू सो मच सही बता दो, थैंक यू सो मच। हम एक बार फिर से निकल चुके हैं और मैं सीरियसली बताऊं तो मैं स्पीचलेस हो गई थी एकदम से ना, मुझे खुद को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं यार। मैं सच्ची बताऊं खुद के रिलेटिव्स और खुद के भाई बहन और खुद के पेरेंट्स और खुद के फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स तो सभी एक दूसरे को जानते हैं सब। अगर आप अपने रिलेशन अच्छे रखते हो किसी के साथ तो आपके लिए सब बहुत करते हैं। इतनी दुनिया में कोई आपको जाने फिर उसके बाद वो आपसे मिलने के लिए इतना क्रेजी हो जाए, फिर वो आपको देख के उसके घूस बम्स खड़े हो जाए कि यार हमने जब नूर व्लॉग से मिल लिए है ना यार। लेकिन बस मेरे पे वर्ड्स ही नहीं है। आप ये सोचो यार, सॉरी यार दी, मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। और मैं सच्ची बताऊँ ना, मेरे को खुद को ही मेरी बॉडी शिवर कर रही थी, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपको क्या ही बोलूं। और थैंक यू सो मच यार इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। उनका नाम तो मोहित जी था। हाँ, और मेरे को उनकी वाइफ का नाम नहीं पता, पूछा ही नहीं। और सीरियसली यार उनको इतना पता है कि डोको की फेवरेट मिरिंडा है मेरी, पिछले 2 साल से हम आपके व्लॉग्स देख रहे हैं। तो लव यू यार, लव यू सो मच, लव यू वेरी मच। और आप सबको जो आप लोग इतना सब प्यार दे रही हो ना, बस ऐसे प्यार बनाए रखना। इस प्यार की यार मैं और किसी चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे प्यार बनाए रखो। हम कौन थे, हम कौन है डुगू, हम कुछ भी नहीं, हम सही बताओ नहीं, हम अपने आपको कुछ भी नहीं मानते, 0/0। लेकिन आप जो इतना प्यार देते हो ना, तब दिल में होता है यार मतलब हम भी कुछ है जो हमें इतना प्यार मिल रहा है सबसे। मतलब आप अपने गुडविल अपने नेचर से बना के जाते हो यहाँ से, जब आप यहाँ से जाओगे ना तो आप कुछ लेके नहीं जाओगे साथ में, ये बना हुआ प्यार लेके जाएंगे हम साथ में कि इतनी दुनिया में से इतने सारे लोग हमें जानते हैं। थैंक यू सो मच। और इतना प्यारा सा जप्पू का दोबारा से बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत यम्मी केक था, बहुत यम्मी थम्स अप थी, बहुत यम्मी मिरिंडा में नहीं मिली फैंटा थी। और यार सीरियसली ये भी पता है मिरिंडा पसंद है फैंटा ना। और आज आप बने भी मिरिंडा ही हुए हो। क्यों मिरिंडा बने हैं? ऑरेंज टर्बन। फिर भी अरलीन बहुत मतलब दिल खुश हो गया, सीरियसली दिल खुश हो गया। थैंक यू वेरी मच। जितनी बार मर्जी बोले उतनी बार कम है। मैं मतलब मैं देखो यार मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, मैं डेली अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, पर एकदम से जब वो सॉन्ग आए ना तो मैं खुद स्पीचलेस हो गई, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या ही बोलूँ। और जप्पू से बोलो, जप्पू इतना खुश हो गया था। जप्पू की खुशियां गाइए, देखो यार इतनी सारी चीजें वो लेके आए जप्पू के लिए। और थैंक यू वेरी मच। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं प्रिया के घर पे, प्रिया हमारी वेट कर रही है, उसकी कॉल आ गई 2 बार, मैंने कहा हम आ रहे हैं बस 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे। और सच में हम 5-10 मिनट में प्रिया के घर पहुंच जाएंगे, पास में ही है। तो चलो मिलते हैं अभी आपके साथ प्रिया के घर पे। तो अभी आ गए हैं प्रिया के घर पे, यहाँ पे दोनों लगे मस्ती करने जप्पू और अमित। तो यहाँ पे अब लग चुकी है हमारी प्लेट खाने की, कह रहे फटाफट खाओ और जाओ। तो सैलेड लग चुका है, ये देखो यम्मी यम्मी ये है रोल, और साथ में हम आपका केक भी लेके आए हैं। मैं क्या सब मिल बांट के यहाँ पे खा लेंगे ना, यहाँ पे जो पूरी लगे हुए मत करो। हेलो गाइस, हम कितने दिन के बाद प्रिया के घर पे आए हैं। प्रिया हम तेरे केक भी लाए हैं। प्रिया हम नहीं लाए, हमारे लिए कोई केक लाया था। वंड खाओ, खंड खाओ, खंड खाओ। थैंक यू सो मच। की हाल चाल? बस ठीक हो? नहीं मेरा ख्याल ना करा करो, जनानी तेरी नाल बैठी है। ओ ते मेरे कोल ही है ना फिर। ताही तुसी मेरे ख्याल कर दें दियो। और काम कर किता चल रहा? काम का ठीक है, वधिया चल रहा है। शुक्र बाबा जी दा। चलो वधिया। ठंड? ठंड बहुत ज्यादा रहते नहीं, कट गई हुन ते 2 दिन दी। जमना नेड़े है ना, से ठंड ज्यादा रहते। तुसी दूसरी दिल्ली रहंदे ना? जी दूसरी दिल्ली रहंदे। सो गाइस हमारे लिए खाने पीने का बहुत सारा अरेंजमेंट किया गया। यार मेरे को डर गया, मेरे को डर गया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे लिए क्या बना है। आज तो भाई जप्पू की चांदी चांदी हो रही है, हर जगह जप्पू की फेवरेट चीज।
पहले जप्पू का फेवरेट केक, फिर वो देखो बैठ गया आराम से साइड पे दोनों। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों वहां बैठ के? अच्छा क्यों बेचारी को बदनाम करता रहता, अब तो गिराई भी नहीं पेप्सी उसने, अभी पेप्सी आई नहीं, वो है वो है। ठीक है गाइस, मैं भी रोल खा रही हूँ। क्या करना है लिनी? ये जो काम खा पी लिया, जो काम करने हैं वो तो कर ले। यहाँ पे फिनिश हो चुका सारा, स्नैक्स खाया बस अभी। हैप्पी लोहड़ी बस खा पी लिया, जो करने हैं वो तो करा दी। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो लड़ाई हो रही है। क्यों लड़ रहे हो लेकिन यहाँ पे? ये रोटी मैं कह रही हूँ, मैं बना दूँ तो कह रही मैं ही बनाऊंगी। फिर मैं बनाऊंगी। अब कौन बनाएगा रोटी? मैं बनाऊंगी। तुम बनाओगी रोटी? मैं ही बनाऊंगी। चलो बनाओ फिर, हो गया फैसला? हाँ। चलो बनाओ फिर फटाफट। तो यहाँ पे आ चुकी है रोटी, अली ने बनाई दी है सब्जी साथ में सैलड, यहाँ पे लगे हुए डांस कर रहे। चलो पहले रोटी खा ले चप्पू। तो अभी रोटी खा चुके हैं, डिनर हो गया और यहाँ पे आई है पट्टी और खजूर और एक केक। केक कटेगा तो सब बटेगा, सब मिलके। तो यहाँ पे देख रहे हो जी मोहित जी, आपका केक खाया जा रहा है। हम क्या केक सबको मुंह लगा दिया जाए? मैं सबको सर्व करती नजर आ रही हूँ, वहाँ पे भी मैं ही सर्व कर रही थी। जप्पू तो वहाँ पे भी खा के है, तो यहाँ पे भी खा रहा है। ले बेटे अम्मी जान, ये ले ले, जप्पू तुम्हारी है बेटे, हेलो। यहाँ पे रिंग बांटे जा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, मेरे को भी दो। मैं बच्चों को खान दो, आप बच्चे हो? मैं बच्चे को बाप हूँ। तो अभी टाइम हो गया है 11:30 और मुझे लगता है बहुत टाइम के बाद हम प्रिया के घर पे इतनी देर तक बैठे हैं, है ना। आज पता ही नहीं चला, हम बातें करी जा रहे और फिर डुकू कहते चलो हरलीन ज्यादा टाइम हो गया, चले अब घर पे चले चले चलो चले लेके चले आपको साथ में। बस हो गया, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਚਲੇ ਚੱਲ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ। ਤੂੰ ਰਹਿਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਪੇ? ਝੂਠੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੀ, ਇਸਕੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਲੱਕੀ ਜਿਆਦੀ ਕੇ ਬਿਨਾ, 9 ਕੀ ਲੜਕੀ ਕੋ ਆਤੀ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤਾ, ਇਸਕਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ देख लो कैसी है गंदी सी गाइस, देख लो इसका मन नहीं लगता, हमारे साथ ही रह के आई है ये। आएगी आएगी जल्दी आएगी, चलो बढ़िया जल्दी आएगी। ठीक है बढ़िया, चले चलो फिर हमारे साथ वीडियो को एंड कर दो। हाय ये क्या था भाई, वीडियो एंड करने बोली मैंने आपको, नहीं आंदी। तो चलो ठीक है गाइस, इन्हीं के घर पे आज वीडियो को कर देते हैं एंड, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं गाइस, फॉलो कर लो, लव यू गाइस, बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata, bye bye.